दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नवाब सैफ अली खान के बारे में, जिसमें जानेंगे उनके हाउस, लाइफस्टाइल, कार एंड बाइक कलेक्शन तथा उनकी टोटल नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को महाराष्ट्र में हुआ। उनकी उम्र 2020 के अनुसार 49 साल है। उन्होंने अपनी शिक्षा लॉरेंस स्कूल तथा लॉकर्स पार्क स्कूल इंग्लैंड से पूरा किया तथा कॉलेज की पढ़ाई के लिए विंचेस्टर कॉलेज इंडिपेंडेंट स्कूल फॉर बॉयज़ इन किंगडम चले गए। सैफ अली खान 1992 में आई फिल्म परंपरा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत किया, हालांकि वह फिल्म फ्लॉप रही। उन्हें 2010 में पद्मश्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं उनके फैमिली के बारे में। अगर सैफ अली खान की फैमिली के बारे में बात करें तो उनके पिता मंसूर अली खान थे, जो एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे। वहीं उनकी मां शर्मिला टैगोर थी, जो हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं। वहीं सैफ अली खान की पत्नी अमृता सिंह से वर्ष 1991 में शादी किए, पर 2004 में उनका तलाक हो गया। अमृता सिंह से सैफ अली खान के दो बच्चे हैं, जिनमें सारा अली खान तथा इब्राहिम अली खान हैं। बाद में उन्होंने वर्ष 2012 में दोबारा करीना कपूर से शादी किया, जिनसे एक बच्चा है जिनका नाम तैमूर अली खान है। सैफ अली खान एक नवाब परिवार से आते हैं। उनकी दो बहन हैं, जिसमें एक का नाम सबा अली खान तथा दूसरा का नाम सोहा अली खान है। अब बात करते हैं उनके हाउस के बारे में। वहीं अगर उनके घर के बारे में बात किया जाए तो उनका घर, जिसे पटौदी पैलेस नाम से जाना जाता है, जो हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, इस पैलेस का कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए बताया जाता है। अब बात करते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। सैफ अली खान एक नवाब है तथा उन्हें लग्जरी कारों का बहुत शौक है। इसी कारण उनके पास ओडी R8, जीप ग्रैंड चेरोकी, फोर्ड मस्टरंग, मर्सिडीज बेंज एस क्लास और रेंज रोवर वोग है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। अब बात करते हैं उनके टोटल नेटवर्थ के बारे में। उनका टोटल नेटवर्थ 150 मिलियन यूएस डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीज के अनुसार लगभग 1120 करोड़ रुपए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको एक लाइक कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।